Hello, welcome to Rajashree Chavan classes. Today I am going to start mathematics of standard 8. This is our 7th lesson of mathematics variation. तो चलो हम देखते हैं पहले let's recall. If the rate of notebook is ₹240 per dozen. तो एक dozen में कितने होते हैं? एक dozen में 12 pieces होते हैं. तो यहाँ पे कितने notebooks है? एक dozen में 12 है. So what is the cost of 3 notebooks? तो हमें क्या करना होगा, अगर 12 नोटबुक का कॉस्ट ₹240 है तो 3 नोटबुक अगर लेते हैं तो कितना कॉस्ट होगा ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, उसके बाद दिया है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 नोटबुक्स 24 नोटबुक्स एंड 50 नोटबुक्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है एंड व्हाट इज दैट के 12 नोटबुक का प्राइस कितना है 240. ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ नोटबुक्स. उसे हम डिनोट करेंगे कौन से लेटर से, एक्स से, और कॉस्ट जो है इन रुपीस दैट वी विल डिनोट बाय लेटर वाई. तो ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स अगर 12 है तो वाई कितना है 240 है. सो इसे क्या करना होगा, सो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द अबाउट टेबल वी सी दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक्स X and their cost Y in each pair is 1/20. तो ये 1/20 कैसे आया है, सो आई विल शो यू दैट. तो ये देखो नंबर ऑफ बुक कितने हैं, 12 है. तो पहले हम देखते हैं x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 240. ठीक है, नाउ 12 का टेबल हम देखेंगे, 12 वन जार 12, 12 टू जार 24 एंड 12 जीरो जार 0. सो आंसर क्या है 1/20. तो ये इसका क्या आ गया, प्रोपोर्शन आ गया है 1/20 एंड दैट इज गिवन हियर एंड इट इज कॉन्स्टेंट. तो 1/20 जो है ये कैसे रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये सेम रहेगा सब जगह पर, ये चेंज नहीं होगा. कांस्टेंट मतलब सेम रहने वाला है. द नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड देयर कॉस्ट आर इन द सेम प्रोपोर्शन. तो यही प्रोपोर्शन में हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे. इन सच अ केस इफ वन नंबर इंक्रीजेस देन द अदर नंबर इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन. सपोज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज अगर ये 1/20 है मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब सपोज ये 1 जो है 2 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 2 जा 2 हो रहा है, तो 20 भी 2 जा 40 ही होगा, मतलब 20 2 जा 40. अगर ये 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो नीचे वाला नंबर जो है वो भी 3 टाइम ही इंक्रीज होगा, मतलब इसका प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहेगा. आई विल शो यू 1 3 जा 3 एंड 2 3 जा 6, 0 आ गया साथ में, तो 60. अगर इसे डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, सो 1/20 फिर से आ गया है. मतलब जो प्रोपोर्शन है ये क्या होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट. उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट रहेगा. नीचे लिख देती हूँ. तो ये कैसे रहेगा, ये रहेगा कांस्टेंट, मतलब एज इट इज, वो चेंज नहीं होगा. ये 1/20 है, ये कंटिन्यू वैसे ही रहेगा. तो आप मुझे बताइए यहाँ पर ये आंसर्स कैसे आ सकते हैं फिर. तो 12 को जब हमने 12 वन जार 12 और 12 टू जार 24 लिया था तो ये आंसर आया है ना. तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये 3 दिया है तो यहाँ पे कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हम सिमिलरली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये भी कैसे फाइंड करना है. तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, 3/- दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर. तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जो y है उसका आंसर क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1/20 है ये कांस्टेंट है, तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, ये देखो जब हमने यहाँ पर आंसर देखा ये 12 20 240 आया था, 12 20 240 है, इसीलिए हम यहाँ पर 3 × 20 करेंगे. सो 3 × 20 इज इक्वल टू 0 ले लो नीचे एंड 3 2 जा 6 60 है, तो आंसर इज 60.
क्योंकि ये 1/20 है ये कांस्टेंट है, ये 20 जो है ये कांस्टेंट है, और इसीलिए हमें यहाँ पर ये 1 था और ये 20 है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये 1 रहेगा और ये 20 हमें लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे 9/ दिया है डैश, तो फिर से इसे क्या करेंगे हम, 1/20 कांस्टेंट है, इसीलिए 9 × 20 इज इक्वल टू 0 ले लिया, नीचे 9 × 2 = 18, सो 180। तो अभी आप देखो यहाँ पर 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 है, 9 × 0 = 0 आ गया 20 नीचे, मतलब हमें ये कांस्टेंट जो 1/20 है मिल गया है। तो वही हमारा मेन हमें चेक करना है कि 1/20 कांस्टेंट नंबर आता है या नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स आंसर क्या है इसमें, 9/180। देन 24 दिया है, 24/ तो फिर से हम क्या करेंगे, 24 × 20, सो 0 नीचे ले लेना है पहले ही, 24 × 2 = 48, तो आंसर इज 480। देन 50/ सो अगेन 50 × 20, सो दोनों 0 को हम नीचे ले लेते हैं बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, एंड 5 × 2 = 10, सो दैट इज 1000। एंड द लास्ट नंबर इज, यहाँ पर हमें 1/20 डायरेक्ट दे दिया है, तो हमें इसे फाइंड नहीं करना है, डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरी सिंपल मेथड है ये सॉल्व करने के लिए, मैंने बताया हुआ, कभी कभी जो लेट्स रिकॉल है इसके क्वेश्चंस भी हमें 1 के लिए या 2 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से दे दिए जाते हैं, तो आप लोगों को इसे सिंपल स्टडी कर लेना है। लेट्स लर्न नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न, ये हमने लास्ट ईयर सीखा हुआ रिकॉल किया है, अभी हम नया कुछ यहाँ पर सीखेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन, द स्टेटमेंट एक्स एंड वाई आर द सेम प्रोपोर्शंस कैन बी रिटर्न एज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, और देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम इसे लिखते हैं प्रोपोर्शन में, मतलब एक्स अपॉन वाई यूजिंग मैथमेटिकल सिम्बॉल इज कैन बी रिटर्न एज एक्स, इसे कहते हैं अल्फा, अल्फा वाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज राइटिंग, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिया है, बट वी कैन राइट दिस वे। इज अ ग्रीक लेटर यूज टू डिनोट वेरिएशन, तो वेरिएशन को डिनोट करने के लिए, मतलब वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस लेटर को हम यूज करते हैं, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका ये लेटर है। ए अल्फा बी इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज ए इक्वल टू के वाई, और ये k क्यों लिया है, k का मतलब होता है वेयर k इज अ कांस्टेंट, k मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब k जो है ये हमेशा, एक बार हमने फाइंड कर दिया उतना ही रहेगा, वो कम या ज्यादा नहीं होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। देन यहाँ पर देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, x इज इक्वल टू के वाई, के वाई हम इस तरह से लिख सकते हैं, या ऑल्सो वी कैन राइट x upon y is equal to k is a equation from the direct from form of direct variations where k is the constant of variation, तो k ये constant रहेगा, जैसे यहाँ पर हमारा ये constant था इसी तरह से k constant रहता है। Now next observe how the following statements are written using the symbol of variation, अभी कैसे लिखना है हमें symbol use करके variation का। फर्स्ट दिया है एरिया ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू ए, एरिया क्या है, ए दिया है, इट्स रेडियस इज आर, द अबव स्टेटमेंट इज रिटन एज ए अल्फा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब जो रेडियस दिया है ये डायमीटर का हाफ होता है, इसीलिए 2 रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, मतलब ये सर्कल है, सर्कल का मिडल पॉइंट है, तो ये रेडियस और रेडियस मिलके हो गया 1 कंप्लीट, मतलब रेडियस को 2 लिया है, इसीलिए आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे इसे स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड पी, प्रेशर दिया है पी वेरीज द डायरेक्टली एज द डेप्थ, डेप्थ है डी, ये लेटर से डिनोट किया हुआ है, ऑफ अ लिक्विड इट्स स्टेटमेंट इज रिटन एज ए एस पी अल्फा डी, मतलब ये क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है,
तो ये इसका प्रोपोर्शन दिया है, दिस इज वॉट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल रिमेन एज कॉन्स्टेंट। टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है x वेरीज डायरेक्टली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशंस ऑफ वेरिएशन। तो सॉल्यूशन में देखो हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कि ये कॉन्स्टेंट कैसे है। x वेरीज डायरेक्टली एज y, दैट इज एज, कैसे लिखेंगे इसे, x अल्फा 1। ठीक है, ये हमें पता चल गया क्योंकि हमने सब जगह पे इसी तरह से लिखा हुआ है। तो जब हमें वेरिएशन में लिखने के लिए देते हैं तो हम इसी तरह इसे लिखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आफ्टर सिंबल यूज करके ही लिखना है। सो x इज इक्वल टू के वाई, के इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन व्हेन x इज इक्वल टू 5। अभी x का वैल्यू 5 दिया है और हमें y क्या दिया है, 30 दिया हुआ है। सो फाई इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 30। तो अभी देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो k को हम क्या करेंगे, यहीं पर रखेंगे। तो इसे कैसे फाइंड करना किया जाता है, k विल रिमेन वहीं पर रहेगा और हम 5 अपॉन 30 रहते हैं। 5 वन जा 5, 5 सिक्स जा 30, सो 1 अपॉन 6 आ गया, 1 अपॉन 6 कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये क्या रहेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x इज इक्वल टू के वाई, दैट इज x इज इक्वल टू y अपॉन x, सॉरी y अपॉन 6 और y अपॉन 6x। मतलब यहाँ पे जो 1 है तो 1 हम क्या करते हैं, 1 के बदले मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, 1 का 1 किससे आया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये क्या था, x इज इक्वल टू 5 है और ये 30 है। तो हमने यहाँ पीछे देखा है कैसे लिखा जाता है, वी कैन राइट एज x इज इक्वल टू के वाई और वी कैन राइट 1 अपॉन y इज इक्वल टू के। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू y अपॉन 6 और y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय x, 6x मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय x। नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। मतलब जो ग्राउंड नट है उसका कॉस्ट, मतलब जो प्राइस है वो डायरेक्ट उसके वेट के साथ में हमें प्रोपोर्शन करना है, किया हुआ है, इसे दिया है हमें। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्राउंड नट इज ₹450, अगर कॉस्ट 5 kg का 450 है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंड नट। तो 1 क्विंटल का यहाँ पर हमें देखो आंसर दिया हुआ है, 1 क्विंटल मतलब कितना होता है, 100 kg। तो 5 kg का हमें प्राइस दिया है दैट इज 450 kg, तो 100 kg का कितना होगा, वी हैव टू फाइंड दैट। सो फॉर दैट वी हैव सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इसी तरह से हम जब आंसर सॉल्व करेंगे हमें करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स बी एक्स। तो इसका जो कॉस्ट है इसे हम डिनोट करते हैं एक्स से, मतलब हम समझेंगे एक्स है, और वेट ऑफ द ग्राउंड नट कितना है, ये वाई है। ठीक है, तो इट इज गिवन दैट x varies directly as y। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो कॉस्ट है, मतलब x, वो डायरेक्टली वेरीज किससे हो रहा है, वेट से, मतलब y से हो रहा है। Hence we will find k। तो इसके वजह से अगर जब हमें ये दोनों मिला है y और x, x और y जब हमें दिया हुआ है, तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा इतना कि हम k को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। सो इट इज गिवन दैट When x इज इक्वल टू 450, तो x कितना है, दैट इज 450 रुपीज़ में दिया है कॉस्ट है, और y इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 kg, दैट इज 5। सो हैंस वी विल फाइंड k। तो अब हम फाइंड करेंगे k, और यहाँ पर देखो अल्फा में भी हमने लिखा हुआ है x varies, varies मतलब अल्फा y, और वी कैन से x इज इक्वल टू के वाई। ओके, सो x इज इक्वल टू के वाई ले लिया है, तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू कितना है, 450, और 5 मल्टीप्लाइड बाय k लिखो, या k मल्टीप्लाइड बाय 5 आप लिख सकते हो। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस, तो इसका आंसर हम फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर भी फाइंड करके देती हूँ। सी k इज इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है, 450
अपॉन 5। क्यों अपॉन हुआ है? बिकॉज यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमने यहाँ पर डिवीजन में ले लिया। 5 1 5 5 9 45 5 0 0, सो के इज इक्वल टू 90। तो 90 क्या होने वाला है? दैट विल बी कॉन्स्टेंट। सो के 90 विल बी कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, हमें यहाँ पर वो दिया हुआ है, वैसे ही यहाँ पर लिखकर भी दिया हुआ है। सो देखिए, जब 90 हमने आंसर फाइंड कर दिया है, दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो इक्वेशंस ऑफ वेरिएशन इज x इज इक्वल टू 90y। तो हमें फाइंड क्या करना है, अभी देखो इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसका ये फॉर्मूला है, ये हमने लिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू व्हाट? 90 मल्टीप्लाइड बाय y। तो 90 मतलब k जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए y ले लिया है। सो इफ y इज इक्वल टू 100, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो था ये kg था, मतलब कितना वेट है वो दिया था, यहाँ पर भी हमें ये वेट दिया हुआ है, दैट इज 100 kg। और हमने x इज इक्वल टू, तो x फाइंड करना है, दैट इज कॉस्ट। हमें क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए, मतलब x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम k और y का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एंड दैट इज 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 9 1s are 9 एंड 1 2 3 0, सो दैट इज 9000। सो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल मीन्स 100 kg ग्राउंड नट इज ₹9000। ठीक है, सिंपल वे में समझ में आ गया आप लोगों को, मतलब 1 क्विंटल इज व्हाट? तो आप आंसर में पूरा भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल दैट इज 100 kg ग्राउंड नट इज ₹9000। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? के। अगर हम के फाइंड कर लेते हैं, के फाइंड करने के बाद हमें जो यहाँ पर x अगर फाइंड करने के लिए दिया है तो हम x फाइंड करेंगे, अगर y मतलब वेट फाइंड करने के लिए दिया है तो हम y फाइंड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे x इज इक्वल टू के y, इसे हमें ध्यान रखना है। नाउ वी विल कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 7.1। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, तो इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल यूज करके उसके आंसर्स लिखेंगे। नाउ फर्स्ट वी हैव सर्कमफेरेंस, दैट इज सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। रेडियस मतलब आर, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? सो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है सी एंड रेडियस दिया है आर। ठीक है, तो ये हमें दोनों यहाँ पर दिया हुआ है, और क्या दिया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें लिखना है सी अल्फा आर। ठीक है, हो गया, इतना ही हमारा आंसर है, फर्स्ट का है ये। देन सेकंड देखो, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल दिया है, मतलब लीटर में, इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट कार डी। डिस्टेंस मतलब डी, यहाँ पर डी दिया है डिस्टेंस, इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये कैसा है? डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए भी हमें वैसे ही करना होगा जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। सो पेट्रोल क्या है? दैट इज एल, और डिस्टेंस के लिए हमें दिया है डी, ये दोनों लेटर हम यूज करेंगे और लिखेंगे एल अल्फा डी। ठीक है, डन। सिर्फ हमें यहाँ पर प्रोपोर्शन में लिखकर दिखाना है, हमें कुछ भी करना नहीं है। दिया हुआ है सिंबल ऑफ वेरिएशन, यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो सिंबल ऑफ वेरिएशन कौन सा है? सिंबल ये है, अल्फा है, उसे यूज करके हमने इसे लिखा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में करना है, तो ऐसे प्रीवियस जो हमने फर्स्ट रिकॉल में किया था ये उसी तरह से हम करेंगे। नंबर ऑफ एप्पल इज इक्वल टू व्हाट? एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स वाई दिया है। तो जब एक्स 1 है तो कॉस्ट कितना होगा? 8, मतलब 1 एप्पल का कॉस्ट कितना है? 8 रुपीज़।
सो फोर एप्पल का कॉस्ट हुआ 32। तो ये कैसे हुआ देखो, 1 4 4 एंड 1 8 4 32। ओके, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसे 4 से, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 4, सो वी गॉट दिस आंसर। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर 56 दिया है कॉस्ट और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एप्पल्स, तो मतलब एक्स कितना है हम फाइंड करेंगे। सो नाउ 8 7 56, तो देखो 8 मल्टीप्लाइड बाय जब हम 7 करते हैं तो 56 आ गया है, तो यहाँ पर 1 7 7, तो ये मैंने क्या कर दिया है, डायरेक्ट मैंने आंसर फाइंड कर दिया है। बट अभी हम इसे क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आप देखो नंबर ऑफ एप्पल क्या है, एक्स दिया है एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिया है वाई। ठीक है, तो अब अभी यहाँ पर हम देखेंगे जो एक्स है, एक्स है ये डायरेक्टली वेरीज किससे हो रहा है, ये डायरेक्ट हो रहा है वेरीज टू वाई, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर एक्स डायरेक्टली वेरीज टू वाई। ओके, जब ये ऐसे हो गया है मतलब ये हमारा अल्फा में लिखेंगे एक्स अल्फा वाई। ठीक है, एक्स अल्फा वाई आ गया है और आगे हमें क्या करना होगा, जब हम इसे लिखेंगे तो दैट, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू के वाई। तो इसमें जो k है ये क्या होने वाला है, k इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब ये कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इतना हमने इसमें लिख दिया। अभी आगे आप देखो व्हेन सॉल्यूशन जो दिया हुआ है हम उसे देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 32, तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, k फाइंड करेंगे, ये हमें दिया हुआ है, इज गिवन, सो k इज इक्वल टू, तो हम आंसर लिखेंगे कैसे, तो x इज इक्वल टू के वाई, सो x कितना है दैट इज 4 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय y दिया है 32। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर k विल रिमेन हियर, 4 अपॉन 32, 4 1 4 एंड 4 8 32, या आप सो हियर k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू 8 एंड दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट हमें लिखना है, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन ऐसे आप लोगों को लिखना है। देन नेक्स्ट वी विल सी, ये हमने तो जो आंसर दिया था उसमें से क्या कर दिया है, k को फाइंड कर लिया है। वंस हमें k मिल गया है तो k जब हमें प्रॉपरली पता चल गया है क्या है, तो हम आगे के सारे सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ एप्पल y दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ एप्पल मीन्स x वी हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो फाइंड करना है इसे हम लिखेंगे कैसे, x फाइंड करना है एंड y इज इक्वल टू वॉट 56 और k कितना है दैट इज कॉन्स्टेंट दैट इज 8। तो इसलिए जो फाइंड करना है इसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k x। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है ना उसे हमें k के साथ में ले लिया है, तो y इज इक्वल टू k कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाय x, और y का वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं 56 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये जो स्टेप था ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसे हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर्स भी नीचे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये स्टेप के बाद डायरेक्ट आप लोगों को ये स्टेप ले लेना है एंड देन यू कैन राइट, यहाँ पे लिखना है सो 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू x, तो 8 1 8 8 7 56, तो 7, सो x 7 इज इक्वल टू वॉट x, तो हमारा जो फाइंड करना था नंबर ऑफ एप्पल वो कितना है दैट इज 7, सो नंबर ऑफ एप्पल्स
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आंसर हमने फाइंड कर दिया। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हैं दैट इज 12 एंड वी हैव टू फाइंड कॉस्ट, वाई को फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12 एंड वाई वी हैव टू फाइंड, सो वाई इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय एक्स। सो वाई कितना है हमें फाइंड करना है, के कितना है दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो वाई इज इक्वल टू 12 8 96। हो गया ही है, इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो नंबर ऑफ एप्पल दिया है, एक्स हमें फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ एप्पल दिया है 160। तो पहले हम लिखेंगे इसे व्हेन, ये मैं थर्ड जो ब्रैकेट दिया था उसे सॉल्व कर रही हूँ, तो दैट इज हमें यहाँ पर y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड, और k हमें पता है दैट इज कॉन्स्टेंट दैट इज 8। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तभी क्या फाइंड करना है हमें, x फाइंड करना है, 160 y ऑलरेडी दिया हुआ है, सो वी विल राइट हियर y इज इक्वल टू के एक्स, मतलब के मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो y कितना है 160 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। नाउ यू कैन सी 160 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 ज़ीरो ज़ा 0, सो 20 इज इक्वल टू x। तो वैल्यू ऑफ x कितना आया है दैट इज 20। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, हम यहाँ पे फील करते हैं, ये 7 था और इसमें हमने लिया है 96 और यहाँ पर आया है 20। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी उसमें बच्चों में आप लोगों को थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो सम है उसे पूरा क्लियरली वन बाय वन हम स्टेप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इंडिविजुअली एक एक सम हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, और जो प्रीवियस वीडियोस है प्रैक्टिस सेट सिक्स जो लेसन है उसके सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो वीडियोस देखने के लिए भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो 8th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल में आप ज़रूर जाके एक बार सारे वीडियोस देख लो। ठीक है, थैंक यू।